हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 2018 से फरार चल रहे गैंगरेप के आरोपी वे 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। खुर्जा पुलिस थाने में हिरासत में खड़ा यह युवक छोटू 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है। यह केवल इनामी बदमाश ही नहीं बल्कि गैंगरेप का भी आरोपी है। पुलिस के अनुसार जुलाई 2018 में एक गैंगरेप की घटना को खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में अंजाम दिया गया था, जिसमें पीड़िता के परिजनों द्वारा 5 लोगों को नामजद किया गया। इस घटना में छोटू भी नामजद था। बुलंदशहर पुलिस लगातार छोटू की तलाश में जुटी है, लेकिन ये शातिर बदमाश पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा। लगातार वंचित रहने के बाद पुलिस ने छोटू पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। ये छोटू सनव ओम प्रकाश अमृतपुर गांव थाना चंद्रोस अलीगढ़ का रहने वाला था। 2018 में एक यहां पर गैंगरेप का मुकदमा खुर्जा नगर में कायम हुआ था, जिसमें ये बांछी चल रहा था, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। कल खुर्जा नगर इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने इसको बस स्टैंड से गिरफ्तार किया और इसको जेल भेजा जा रहा है। खुर्जा सीओ गोपाल सिंह ने बताया कि अलीगढ़ के चंडोस थाना क्षेत्र के निवासी छोटू द्वारा 2018 में खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें छोटू के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। छोटू 2018 से वंचित था और पुलिस लगातार छोटू की तलाश में थी। तभी खुर्जा नगर पुलिस को सूचना मिली कि छोटू खुर्जा के बस स्टैंड पर खड़ा है और कहीं जाने की फिराक में है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर छोटू को खुर्जा के बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब गैंगरेप के आरोपी और 25,000 के इनामी छोटू को जेल भेज रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time24 न्यूज़। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।